हेलो एवरीवन कैसे हो सब सो एस एस ने रात को धमाका कर दिया सीएचएसएल 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है सो so, लगभग साढ़े तीन हजार बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई मैक्सिमम बच्चों का को आज रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि इन साढ़े तीन हजार में से हजार पंद्रह तो, तो ऐसे पक्का होंगे जिनको जिंदगी में पहली बार कोई सरकारी नौकरी मिली होगी भाई सबसे पहले ये जो टू का जो एग्जाम हुआ था कब वो हुआ था आपका 26 जून 2023 को हुआ था और जिसका रिजल्ट अभी आ गया यानी मान के चलो 40 दिन भी नहीं लगाए लगाएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगभग 40 दिन लगाए हैं ठीक है अब कट ऑफ की बात करें तो आपको पता है भाई पे अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं और हर एक पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ लगती है टोटल बच्चों की बात करें तो तीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें चौदह सोनो यूआर के हैं और बाकी सब अलग कैटेगरीज के और जैसा की एस ने पहले अपने नोटिफिकेशन में कुछ बातें लिख दी थी कि भाई कुछ चीजें क्वालिफाइंग नेचर की होंगी जिसमें कि क्या क्या था आपका टी ए टू का जो सेक्शन थ्री है सेक्शन थ्री है मतलब आपका कंप्यूटर का पेपर वो क्वालिफाइंग का था प्लस आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग था ठीक है इसके बाद आप कट ऑफ देखोगे तो लगभग ठीक ठाक ही गई है से कोई मतलब बहुत ज्यादा हाई है बहुत ज्यादा लो भी नहीं है जैसे एल जीरो वन का यूआर कैटेगरी से दो सौ अस्सी कट ऑफ गई है ठीक है टू एट्टी उसके बाद एल जीरो टू में आप यूआर देखोगे तो टू एट्टी थ्री यानी जनरल की आप देखोगे तो दो सौ अस्सी से ऊपर जो है मतलब आसानी से यहाँ पे नौकरी मिल रही है और ये कितने में से है तीन सौ साठ में से ठीक है थ्री सिक्सटी में से टू एट्टी उसके बाद एल जीरो तीन सौ गई है ठीक है एस इसी एल जीरो फोर में यू आर की देखोगे तीन सौ एक गई है अब इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज होती है और सबकी अलग अलग कट ऑफ लगी है ठीक है जैसे एल ट्वेंटी सेवन का मतलब तो है एल डीसी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो इस तरीके से अब देखो अब नेक्स्ट जो आप लोगों का बनने वाला है वो बनेगा अभी सीजीएल दो हजार तेईस का टीयर वन का रिजल्ट तो मेरे हिसाब से एसएससी अगले एक महीने में सीजीएल दो हजार तेईस का टीयर वन का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगी तो मतलब टीयर टू के लिए अभी काफी बच्चे थोड़े से डाउट में है जैसा कि मार्केट में बातें चल रही है कट ऑफ थोड़ी सी इसकी हाई जाएगी डेफिनेटली जाएगी क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में आए थे बोले मैंने 145 फोर्टी फाइव के आसपास प्रिडिक्ट किया था काफी बच्चे आ गए थे बोले क्या मतलब कि कुछ वे में बोल रहा हूँ इस तरीके से पर जैसा आपने देखा आरबी रिवोल्यूशन चैनल पे जब आंकड़ों के साथ जो एनालिसिस हुआ और उसके बाद जो कट ऑफ निकल के आई वो भी काफी हाई निकल के ठीक तो है तो कोई बड़ी बात नहीं है मतलब इतनी कट ऑफ जा सकती है पहले भी गई है बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं रिपीट होते हैं लोग लोगों की तैयारियां रिपीट हो रही है क्वेश्चन रिपीट मारती है एस तो इन सब चीजों का जब समीकरण बैठता है तो कट ऑफ हाई जाती है तो वो बच्चे जिनका मतलब 130 के आसपास स्कोर बन रहा है मेरे हिसाब से वो लोग क्लियर कर जाएंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से अच्छे खासे मतलब आप लोगों को बूम देखने को मिल सकता है अगर 15-16 नंबर बढ़ गए तो कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाएगी ठीक है अगर आपका ज्यादा टफ शिफ्ट में था हो सकता है आपके बीस बारिश नंबर भी बढ़ जाए ठीक तो है बहुत ही ज्यादा आसान से थी हो सकता है पांच नंबर भी बढ़े तो जो भी था अगर आपका सीजीएल का अगर आखिरी अटेम्प्ट नहीं था तो देखो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी आप मेन्स की तैयारी करोगे मेन्स और प्री सबसे अच्छी बात यह दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है पैटर्न में बस थोड़ा सा फर्क है तो मेंस की तैयारी में आपके अगले साल की प्री की तैयारी भी हो रही होती है बस मेंस के लिए थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है और नए पैटर्न के ऊपर मॉक्स लगा लेना जैसे आप लोगों को पता है कि टेक्स बुक के ऊपर आप लोगों को सारे के सारे पुराने पेपर्स के मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं और नए टाइप के मॉक्स भी मिल जाते हैं तो इनके दो पास होते हैं एक प्रो पास और एक नॉर्मल पास प्रो पास के अंदर पुराने सारे पेपर्स के भी भी मिल जाएंगे आपको नॉर्मल मिलेंगे और जो नॉर्मल पास है उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल आपको मॉक्स मिलेंगे और फिलहाल डिस्काउंट चल रहे है पर, इनके ऊपर मतलब सेल काफी टाइम इनकी आती जाती रहती है फिलहाल सेल चल रहा है सेल में आप लेते हो तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मॉक्स मिल जाएंगे और प्लस अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करते हो बी तो भाई कोड लगाने से एक एडिशनल टेन परसेंट का डिस्काउंट और मिल जाएगा ठीक है तो मॉक्स लगा के थोड़ा सा आप अपना स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो जो गलतियां मॉक्स में करोगे उनसे सीखोगे तो एक्चुअल एग्जाम में फिर वो गलतियां नहीं होती हैं और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो क्योंकि तो देखो कंपटीशन हर साल आपको बढ़ता ही दिखेगा ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी साल आपको कंपटीशन कम देखने को मिल जाए सीजीएल दो तो को अगर साइड में रख दें तो आप देखोगे हर साल कंपटीशन बढ़ता हुआ ही दिख रहा है ठीक है और आप सी की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी फिल्म की आप वो देख लो वन गई थी तो आप एक बात मुझे बताओ जब सी में इतनी जा सकती है तो सीजीएल में इतनी क्यों नहीं इनफैक्ट सीजीएल के अंदर कम्पिटिशन भी ज्यादा होता है आप लोगों को ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो कि सीजीएल का एग्जाम देते हैं लेकिन सी का नहीं देते हैं और लेकिन अगर ऐसा कोई भी बच्चा जो कि सीजीएल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है और अगर वो सी का एग्जाम देता है तो वो सीजीएल का डेफिनेटली देता हुआ मिलेगा यानी कि आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कि सी में बहुत बढ़िया रैंक लेके आ रहे हैं लेकिन सीजीएल के एग्जाम में उनकी उतनी बढ़िया रैंक नहीं आती तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सीजीएल के अंदर कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है बट में वैकेंसीज काफी कम है तो इस वजह से सीएचएसएल में अपने को कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है

इसके रखोई जिसको लग रहा है तेईस में थोड़े बहुत भी चांसेज हैं तो तेईस के मीनस के भयंकर तैयारी करो और अदरवाइज लग रहा है तेईस आपका बहुत खराब हो चुका है तो चौबीस के लिए भी बहुत तकड़ा टाइम पड़ा है आपके पास उस तकड़े टाइम में तीन चार पांच छह सात आठ बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके मल्टीपल रिविजन करो बढ़िया से नोट्स बनाओ और एक फुल फ्लेस तैयारी के साथ चौबीस का अटैम्प्ट देना अपना ठीक है तो चलेगा इस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाटा टेक केयर बाय बाय